दोस्तों आपको शायद याद हो, भारत और अमेरिका के बीच में जो पहला लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट हुआ था, तब उसका विरोध किसने किया था? कांग्रेस ने किया था, कम्युनिस्ट पार्टियों ने किया था। उनका लॉजिक यह था कि इस एग्रीमेंट के होने के कारण भारत अमेरिकी गुट में शामिल हो जाएगा और चीन से दुश्मनी मोल ले लेगा। भारत को कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान पक्के से होगा। लेकिन दोस्तों तब जिन्होंने उस एग्रीमेंट का विरोध किया था, उन्होंने ना तो पिछले 5-6 सालों में माफी मांगी और ना वो भविष्य में मांगेंगे। जबकि आप स्वयं देख लीजिए, यहाँ चेन्नई में है एलएनटी का शिपयार्ड, जिस शिपयार्ड में भारत ने नेवल एमआरओ कैपेबिलिटी डेवलप करी है, मतलब जहाजों का मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल किया जा सकता है, विश्व स्तरीय सुविधा है। और भारत ने ये जो फैसिलिटी है ये ओपन कर दी है अमेरिका के लिए, क्वाड मेंबर्स के लिए। और खासियत क्या है कि हमारे यहाँ अगर एमआरओ कराते हो तो कॉस्ट बहुत कम आती है, बहुत कम खर्चे में आप मेंटेनेंस सर्विस करवा सकते हो अपने जंगी जहाजों की। आप अमेरिका या क्वाड मेंबर्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान भूल जाइए, आप और हम अगर सर्विस कराते हैं तो जहां सस्ता दाम होता है वहीं करवाते हैं। परिणाम स्वरूप आप देख लीजिए, मोदी जी की अमेरिका यात्रा के दौरान एलएनटी और यूएस नेवी के बीच में हुआ है मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट। उनके जहाज भविष्य में भी भारतीय बंदरगाह पर रिपेयर कराए जाते रहेंगे। और ना सिर्फ एलएनटी बल्कि मझगांव डॉक्स और गोवा शिपयार्ड में भी मेंटेनेंस और रिपेयर होगा। और भविष्य में जो ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे क्वाड मेंबर्स हैं, वो भी भारतीय बंदरगाहों पर मेंटेनेंस और सर्विस के लिए आते रहेंगे। इससे हमारा धंधा बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि चूंकि हमारी फैसिलिटीज अब पैसा कमा रही हैं, भारतीय नेवी को मिलने वाली सुविधाएं अब अपने आप बढ़िया हो जाएंगी और सस्ते दाम पर मिलेंगी। अरे भाई, जिस दाम पर अमेरिका को दे रहे हैं उससे तो सस्ता पड़ेगा नेवी को, स्वाभाविक बात है। ये पूरा घटनाक्रम जो आज आप देख रहे हो वो परिणति है, वो परिणाम है लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट का। अगर वो ना होता तो आज ये सारे जो मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट है वो भी आप भूल जाइए, कैसे होते आप बता दीजिए। यहाँ दोस्तों डिस्क्लेमर देना जरूरी है, एलएनटी में हमारा निवेश है, खरीदने बेचने की राइट अथवा रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे हैं। हाँ, यदि आपको निवेश के मामले में आत्मनिर्भर बनना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, क्लिक करके अपना पसंदीदा आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।